यस हेलो स्टूडेंट, यस आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। आप सब अच्छे हैं, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अच्छे रहो, आगे बढ़ो। ओके सो बच्चों, आप लोगों ने लेक्चर 4 में देखा अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके जैसे कि हम लोग अभी सीख रहे हैं कि वो कौन से फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को हम कंबाइन करेंगे या जिस अकाउंट्स को हम कंबाइन करेंगे तो हम लोगों का फाइनल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होगा। करेक्ट है। तो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट को पूरा डिटेल में समझा है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम्स और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम्स हमने पूरी तरह यहाँ पर डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। इसके बाद मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ ऑल दी डेबिट आइटम्स एंड ऑल दी क्रेडिट आइटम्स ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था। करेक्ट है। अब आज हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में जो नेक्स्ट आता है फाइनल अकाउंट में, कैन यू इमेजिन क्या आता होगा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद? यस हाँ जरूर, कुछ लोग पार्टनर्स कैपिटल कहेंगे, कुछ लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट कहेंगे या कुछ लोग बैलेंस शीट कहेंगे। ओके तो हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझने के बाद आज एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं जिसके बिना फाइनल अकाउंट एकदम अधूरा है। और ये ऐसा स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट को पर्टिकुलरली आपको इतना डिटेल में समझना है क्योंकि आगे के 12th स्टैंडर्ड में जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे, वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्यों ना हो, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है, ये सारे चैप्टर्स में आप लोगों को एक कॉमन स्टेटमेंट बनाना है एंड दैट कॉमन स्टेटमेंट इज नोन एज अ बैलेंस शीट। ओके तो आज का वीडियो आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को अकाउंट्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके लिए बनेगा जिसमें आप यहाँ पर सीखने जा रहे हो बैलेंस शीट का प्रिपरेशन, कि एक बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, एक बैलेंस शीट कैसे दिखती है, उसमें कौन कौन से आइटम होते हैं, क्यों होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, ये सारी बातें आज मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। तो आप लोग अपने नोटबुक और अपने पेन को रेडी रखिए और आसपास का एनवायरनमेंट आपको थोड़ा शांत रखना है जिससे कि आप इस बात को फील कर सको कि दैट सिर्फ आप और मैं यहाँ पर सामने हैं और तीसरा यहाँ पर कोई नहीं है। इज दैट क्लियर? सो प्लीज वॉच दिस वीडियो क्लियरली कंप्लीटली और इस कोर्स का आप पूरा फायदा उठाइए। घर बैठे बैठे कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा कोर्स यहाँ पर वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। ओके सो लेट स्टार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कॉलम सेम, कॉलम की कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी बिल्कुल भी। जो कॉलम आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ड्रॉ किया था, जो कॉलम आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ड्रॉ किया था, वही कॉलम आपको यहां पर भी ड्रॉ करना है। तो कॉलम को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी अंतर या कोई डिफरेंस आपको बिल्कुल नहीं करना है। करेक्ट है। तो हेयर वी हैव टू अंडरस्टूड व्हाट वी मीन बाय बैलेंस शीट। ओके इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। सो ये बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। अब जैसे कि अगर मैं कहूं कि किसी भी बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट है, किसी भी बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट है उसको फाइनल अकाउंट क्यों कह रहे हैं? ये फाइनल अकाउंट इसलिए है क्योंकि फाइनल अकाउंट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाया जाता है। अकाउंटिंग ईयर आपको ऑलरेडी पता होगा, जो ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और जो 31 मार्च तक खत्म होता है। हाँ हाँ आपने सही कहा, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। तो अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर ये दोनों का मतलब यहाँ पर सेम होता है। करेक्ट है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फाइनल अकाउंट। तो इसे फाइनल अकाउंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वो अकाउंट है, ये वो स्टेटमेंट है जो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जा रहा है।
जो साल के अंत में बनाया जा रहा है, और दूसरा आपके सारे अकाउंटिंग प्रक्रिया की, आपके सारे अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप है फाइनल अकाउंट, इसलिए यहाँ पर इसे फाइनल अकाउंट कहा जा रहा है। अभी फाइनल अकाउंट में दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। सर अचानक से आप फाइनल अकाउंट का मतलब क्यों बताने लगे? अचानक से नहीं बता रहा हूं बच्चों, ये चैप्टर का पार्ट है, ये आपको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये फाइनल अकाउंट में ये दो स्टेटमेंट यहां पर क्या कर रहे हैं। एक है इनकम स्टेटमेंट और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो बच्चे मेरे, प्लीज ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि ये इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट होता है, इसका नाम इनकम क्यों है? इसका नाम इनकम क्यों है? इसका नाम इनकम इसलिए है क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपको समझाता है कि आपके बिजनेस की इनकम कितनी है। आपके बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करने में आपकी जो हेल्प करेगा उसे हम क्या कहेंगे? इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट को दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे सर ये तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। हाँ आपने सीखा था, लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट भी कहलाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के पीछे का पर्पस है टू नो द एग्जैक्ट और नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कौन सी ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन सी ईयर में कितना लॉस हुआ है, अगर आपको ये जानना है तो आपको उस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट करना होगा। और इनकम स्टेटमेंट का मतलब आपको उस बिजनेस का क्या देखना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरह से फाइनल अकाउंट का जो सेकंड पार्ट है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों? जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आपके बिजनेस की इनकम पोजीशन समझाता है। इनकम पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इनकम ही नहीं पता चलेगी, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है आपको यही नहीं पता चलेगा, तो आपका बिजनेस करके कोई मतलब नहीं है। क्यों किया जाता है बिजनेस, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए बिजनेस क्यों किया जाता है? तो बिजनेस इसलिए किया जाता है कि हम लोग प्रॉफिट कमा सके। लेकिन कितना प्रॉफिट कमाया आपने, ये कैसे पता लगेगा आपको? तो उसके लिए आपको अपना हिसाब किताब जो है वो सही सिस्टमैटिक ढंग से मेंटेन करना होगा। इसी तरह से इनकम को जानने के लिए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस जानने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इन द सेम वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपकी हेल्प करता है इस बात को जानने में कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन, आपके बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, आपके बिजनेस की आर्थिक स्थिति यहाँ पर स्ट्रांग है या वीक है, इस बात को समझाने के लिए आपको कौन हेल्प करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाएगा, हम कैसे किसी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानेंगे? तो उस बिजनेस के इर्द गिर्द घूमकर, उसके चारों बाजू घूमकर, उसकी बिल्डिंगें बड़ी 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 दिख रही है, अरे उसके सामने गाड़ियां बहुत सारी खड़ी है, वहां पर बहुत सारी मशीनें हैं, ऐसे देख करके आप पता लगाओगे फाइनेंशियल पोजीशन? बिल्कुल नहीं। तो किसी भी बिजनेस का अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन अगर जानना है, तो फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए आप उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या देखोगे बच्चों लोग? बैलेंस शीट देख लीजिए। बैलेंस शीट देखते ही उसके बिजनेस की क्या कैपेसिटी है, उसके बिजनेस की क्या वैल्यू है, उसके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ये बात आप आसानी से पता लग सकते हो। सो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने में बिजनेस की हेल्प करता है। करेक्ट है? कोई भी बैंक या कोई भी बड़े से बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके बिजनेस को लोन क्यों देगी? वो क्या देखेगी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का? वो किस बात पर आपके बिजनेस को पैसा देगी? वो किस बात पे आपको ओवरड्राफ्ट देगी? किस बात पे आपको कर्जा देगी? तो यहाँ पर कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके बिजनेस को लोन तब देगी जब आपके बिजनेस का बैलेंस शीट पावरफुल होगा, जब आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। अब इस फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट से रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन सर बैलेंस शीट में ऐसा क्या है, बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी खूबी है कि जिसको देख करके हम किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकते हैं? तो वही बात मैं आज आपको वीडियो में समझाऊंगा
कि बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी बातें हैं या बैलेंस शीट में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको समझकर, जिनको जानकर आप उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को आसानी से एनालाइज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये सारा डिस्कशन जो मैंने आपके सामने किया, ये सारे डिस्कशन से आपको मुझे इतना समझाना था कि दैट बैलेंस शीट इज हेल्प बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इट्स हेल्प आउटसाइडर, मतलब जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या जो भी ऐसे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और उनको उस बिजनेस के बारे में जानना है, उनको उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को समझना है, तो फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए उन्हें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट देखना होगा, बैलेंस शीट को एनालाइज करना होगा, उसी के बेसिस पे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाई जा सकती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, सो यहां पर हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट। और जो बैलेंस शीट होता है ना बच्चे लोग, वो क्या एक बार बना दिया तो चलो 10 साल का काम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैलेंस शीट जो होता है वो हमें हर साल बनाना होता है, वो हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, साल के अंत में हमें बैलेंस शीट बनाना होता है। और पूरे साल भर में आपके बिजनेस पे कितनी लाइबिलिटियाँ हैं, आपके बिजनेस पे कितने कर्ज हुए और आपके बिजनेस में कितने असेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टियाँ आपके बिजनेस के नाम से है, ये सारी चीज़ों का चिट्ठा, इन सभी चीज़ों का डिटेल आपको बैलेंस शीट में दिखाई देता है। करेक्ट है? सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने शीट वर्ड का इस्तेमाल किया है और शीट का मतलब यहाँ पर होता है स्टेटमेंट से। तो बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट है। करेक्ट है? यस। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है विच शोज द लाइबिलिटी एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द हेल्प ऑफ द लाइबिलिटी एंड असेट्स ओनली, असेट और लाइबिलिटी की मदद से ही हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशंस को जान सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो यहाँ पर आपको मैंने बैलेंस शीट का पर्पस बताया कि बैलेंस शीट क्या होता है और उसको बनाने से क्या मिलता है, और प्लस बैलेंस शीट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की किस बात को रिफ्लेक्ट करता है, ये सब छोटे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लाइबिलिटी में कौन से आइटम आते हैं और असेट में कौन से आइटम आते हैं। करेक्ट है? यस। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर समझना है आपको कि दैट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, आप क्या चाहते हो, मैं आपको डिटेल में समझाऊं। आप क्या चाहते हो मुझसे कि मैं आपको इसी तरह बस लिख कर समझा दूं, तो मुझसे ये चाहकर भी नहीं होगा। मैं आपको हर एक कंसेप्ट जब तक डिटेल में नहीं समझाऊंगा, हर एक कंसेप्ट के पीछे का रीज़न क्या है वो मैं नहीं समझाऊंगा, तब तक मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। ओके? आपके मन के संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि तब मिलेगी जब मैं आपको बैलेंस शीट के हर एक कंटेंट्स आपके माइंड में पूरी तरह से भर दूंगा और आपको बैलेंस शीट की दोस्ती आपके साथ करवा कर दे दूंगा। करेक्ट है? सो बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए ठीक से कि क्या होती है लाइबिलिटी और क्या होते हैं असेट्स, और क्या क्या प्रकार की लाइबिलिटी और कौन से प्रकार के असेट्स यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अगेन हम लोग कॉलम में अमाउंट जो कि रुपीज में होगा, यस, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, यस। ओके, तो आओ पहले हम लोग लाइबिलिटी साइड देखते हैं। मैं होप करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग के सामने आपके टेक्स्ट बुक का यहां पर जो पेज नंबर 18 है वो आपने ओपन कर लिया होगा और उस टेक्स्ट बुक पर आपको बैलेंस शीट क्लियर तरीके से दिख रहा है। उन सभी आइटम्स को मैं यहाँ पर एक एक करके लिखता हूँ और आपको पूरा डिटेल में समझा कर देता हूँ, जिससे कि बाद में कोई भी चैप्टर सॉल्व कर लो। याद रहे बच्चों लोग, ये वन टाइम काम है, वन टाइम। जैसे होता ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट लो, मल्टीपल जगहों पर फायदे लो, इन द सेम वे ये एक ही बार आपको समझना है। और एक बार अगर आप समझ गए ना तो 5 नहीं 6 चैप्टर आपकी जेब में। कितने चैप्टर? 6 चैप्टर आपकी जेब में है, लेकिन उसके लिए आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट है? आओ देखें क्या होती है बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हो लाइबिलिटी में सबसे पहले कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू होता है तो उस बिजनेस को सबसे पहले फंड कौन देता है, सबसे पहले कैपिटल कौन देता है, सबसे पहले अमाउंट कौन देता है, हमारा बाजू वाला देगा।
हमारा पड़ोसी देगा? नहीं। सबसे पहले बिजनेस को फंड देने वाले होते हैं वो लोग जिन्होंने बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया, जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। तो जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की वही लोग बिजनेस में सबसे पहले फंड को इन्वेस्ट करेंगे, करेक्ट है? यस। तो यहां पर बिजनेस को शुरुआत किसने की, हम कौन सा फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं? यस यू आर करेक्ट, हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। मतलब बिजनेस के अंदर जो अमाउंट कंट्रीब्यूट की गई है, बिजनेस के अंदर जो फंडिंग दी गई है, वो फंडिंग पार्टनर्स के द्वारा दी गई है। तो यहां पर सबसे पहले बिजनेस को पार्टनर ने जो पैसा दिया, कम ऑन, बिजनेस है उसको पार्टनर पैसा दे रहा है, उसको पार्टनर कैपिटल दे रहा है, तो बिजनेस के पास ये पैसा कहां से आया, पार्टनर से आया है। पैसा कहां से आया, पार्टनर से आया, करेक्ट। मैंने दो बार क्यों बोला, क्योंकि दो लोग के बिना पार्टनरशिप होती नहीं है, करेक्ट है। तो बिजनेस के पास जो भी ये दो लोगों का पैसा आया है, ये पैसा बिजनेस के ऊपर क्या है, ये पैसा बिजनेस की क्या है, ये पैसा बिजनेस की लाइबिलिटी है, ये पैसा बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहां पर बिजनेस की सबसे पहली लाइबिलिटी होती है उनके पार्टनर्स के द्वारा दिया गया फंड्स, उनके पार्टनर के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट की गई अमाउंट। क्यों? क्योंकि जब आपका बिजनेस बंद होगा तब क्या होगा कि जो कैपिटल पार्टनर ने बिजनेस में डाला था वो सारा पैसा बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर को लौटा देगा। पार्टनर को बोलेगा ये ले तेरा पैसा, अरे ये तेरा भी पैसा लेकर जा। क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद हो गया है। लेकिन जब बिजनेस शुरू हो रहा था तो यहां पर दोनों पार्टनर ने अपना पैसा बिजनेस को कॉन्ट्रीब्यूट किया था। तो जब कॉन्ट्रीब्यूट किया था तो वो पैसा बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर को लौटा देगा। तो यहां पर बिजनेस के ऊपर ये पैसा आ गया है, किस फॉर्म में आ गया है, लाइबिलिटी के फॉर्म में आ गया है, कर्ज के फॉर्म में आ गया है, करेक्ट है। तो सबसे पहला यहां पर जो लाइबिलिटी आपको देखने को मिलेगा वो है कैपिटल। आप अपने नोट्स में देख सकते हैं कि पहला सबसे बड़ा जो है वो है कैपिटल अकाउंट। फिर से एक बार देखिए, तो थोड़ा मैं बड़े अक्षर में लिखता हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए और दिख जाए, करेक्ट है। मेरे साथ आप लोग लिखते रहिए, समझते रहिए। कैपिटल अकाउंट्स में अगर समझो दो पार्टनर है तो ए और बी का फंड आएगा, तीन पार्टनर है तो ए बी और सी का फंड आएगा। तो यहाँ पर ए ने जो भी कंट्रीब्यूट किया होगा, बी ने जो भी कंट्रीब्यूट किया होगा और सी ने जो भी कंट्रीब्यूट किया होगा, ये पूरा कंट्रीब्यूशन बिजनेस के हाथ आएगा और बिजनेस के लिए ये क्या बन जाएगा, कैपिटल। बिजनेस के लिए ये बन जाएगा इनिशियल अमाउंट और इसी इनिशियल अमाउंट के बेसिस पे पार्टनरशिप फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया जाएगा, करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या इतने कैपिटल में बिजनेस का फंड रिक्वायरमेंट या पैसों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है? तो आप कहोगे हाँ सर हो भी सकती है। यस यू आर करेक्ट, इतने फंड में भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, लेकिन बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितने अमाउंट में फिनिश होगी ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे, बिजनेस के साइज पे, करेक्ट है। बिजनेस का नेचर, बिजनेस का साइज जितना अलग होगा उसके ऊपर कैपिटल अमाउंट भी उतनी अलग होगी। साइज अगर बिजनेस का बड़ा है तो अमाउंट भी ज़्यादा लगेगा, साइज अगर बिजनेस का छोटा है तो अमाउंट भी कम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू द बिजनेस। सो इन दिस वे जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है वो बिजनेस को कैपिटल के फॉर्म में मिल गया। और समझो अगर इतना पैसा, इतना कैपिटल अगर बिजनेस को पर्याप्त नहीं हुआ तो इस केसेस में बिजनेस को और भी कर्ज लेने होंगे, और भी लाइबिलिटियाँ लेनी होंगी। देखो बच्चे लोग, लाइबिलिटी लेना अच्छी बात है या बुरी बात, चलो आप बताइए। यस, लाइबिलिटी लेना अच्छी बात है तो बुरी बात है? देखो, लाइबिलिटी लेना ये अच्छी बात या बुरी बात नहीं है, अगर आप कोई लाइबिलिटी ले रहे हो तो उसको टाइम पे रिटर्न करना या उसका जो भी प्रॉमिसिंग इंटरेस्ट आपने किया है उसको समय पर देना, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको समय पर लौटा दो, फिर जरूरत पड़े तो फिर से ले लो। लेकिन आप कर्ज लेकर जब उसको जमा करोगे, उसको लौटाओगे नहीं, तो वो दिन पे दिन एक बड़ी लाइबिलिटी आपके बिजनेस के ऊपर बढ़ती जाएगी और वही आपके बिजनेस के डूबने का कारण भी बन सकती है। तो याद रहे, लाइबिलिटी कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने को आना चाहिए, करेक्ट है। यस, तो कैपिटल अकाउंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है।
तो मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पर लिख लेता हूँ, बट उसका जो भी डिटेल्स वगैरह होगा मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिर भी देख लीजिए आप पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसा होता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के देखो नीचे ब्रैकेट में लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। ट्रायल बैलेंस याद आया कुछ ट्रायल बैलेंस के बारे में, जो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको आएगा। तो ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, करेक्ट है। और क्वेश्चन के फॉर्म में ट्रायल बैलेंस के दो साइड होते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट है। तो करंट अकाउंट का अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया है तो उसको हम लायबिलिटी में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। कम ऑन मेरे साथ बोलो आप लोग, लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, इसको याद रखना है। अगर लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है तो बताओ असेट क्या शो करेगा? असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, इज दैट क्लियर? लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, असेट शोज डेबिट बैलेंस, ओके एवरीवन। तो आपके करंट अकाउंट का बैलेंस अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है तो क्रेडिट साइड के बैलेंस को आप लायबिलिटी में शो करोगे। और अगर समझो ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट साइड में दिया है तो आपको उसे असेट साइड में शो करना होगा, करेक्ट है। तो करंट अकाउंट का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। इफ इट इज गिवन ऑन ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड इट विल बी ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड, एंड इफ इट इज गिवन ऑन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड इट विल बी ट्रांसफर टू वेयर, असेट साइड, इज दैट क्लियर। इसका और भी डिटेल में आपको समझ में कब आएगा, जब आप प्रैक्टिकल फॉर्म में करंट अकाउंट को प्रिपेयर करोगे। टिल दैट आप इसको इतना ही समझो जितना अभी मैंने आपको बताया है। तो जो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस है वो आप यहां पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि आपका बिजनेस अगर समझो पिछले कई सालों से चल रहा है, आपका बिजनेस पिछले 4 सालों से 5 सालों से चल रहा है, तो आपके बिजनेस ने पिछले 4 से 5 सालों में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपके बिजनेस ने पिछले 4 से 5 सालों में जो भी प्रॉफिट अर्न किया होगा, करेक्ट है, उस पूरे प्रॉफिट को तो वहां पर बांटा नहीं होगा, या वो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर ने आपस में बांट करके नहीं लिया होगा। क्योंकि उनको अगर अपनी पार्टनरशिप आगे भी चलानी है तो हर साल के प्रॉफिट का कुछ ना कुछ तो हिस्सा, कुछ ना कुछ तो पार्ट जो है वो निकाल कर उन्हें साइड में रखना पड़ता है, वो निकाल कर उन्हें एक रिजर्व में रखना पड़ता है। और जो रिजर्व में उन्होंने हर साल के प्रॉफिट का जो भी भाग जमा किया है उसका इस्तेमाल बिजनेस फ्यूचर में कभी भी कर सकता है। तो जब तक उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तब तक वो बिजनेस के ऊपर कहाँ पर रहेगी? लायबिलिटी में। क्योंकि ये रिजर्व जो है ये बिजनेस के अकाउंट में है, भले बिजनेस ने अभी तक इसका यूज नहीं किया लेकिन फिर भी ये पैसा बिजनेस के अकाउंट में है। और बिजनेस के अकाउंट में जो पैसा पार्टनर ने अपना हिस्सा न लेकर के उसको बिजनेस के अकाउंट में रहने दिया कि कल अगर बिजनेस पे कोई अगर प्रॉब्लम आया, फाइनेंशियल दिक्कत आई तो वो पैसा वहां पर यूज किया जाएगा। तो ये जनरल रिजर्व के अंदर जो पैसा ये है किसका? पार्टनर का ही हिस्सा है। पार्टनर्स ने अपने कमाए हुए प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में रखा है, बिजनेस के बुरे परिस्थितियों में काम करने के लिए यूज करना है, तो वो पैसा पार्टनर्स का ही है लेकिन वो बिजनेस के अकाउंट में जमा है, इसलिए उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। और उसको जनरल रिजर्व के नाम से दिखाया जाएगा, जो जनरल जगह पर किसी भी बिजनेस के पर्पस के लिए उस रिजर्व को, उस पैसे को बिजनेस यूज कर सकता है, इज दैट क्लियर। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट के पार्ट को निकाल कर साइड में रखी हुई अमाउंट और उसका इस्तेमाल बिजनेस अपने जनरल पर्पस के लिए कर सकता है, इसलिए उसका नाम रखा गया जनरल रिजर्व, जो बिजनेस के ऊपर क्या होती है? लायबिलिटी होती है, क्योंकि वह बिजनेस के अकाउंट में है। इस बात को समझना कि वो लायबिलिटी क्यों है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये लायबिलिटी क्यों है, करेक्ट है। क्योंकि पार्टनर ने अपने प्रॉफिट को जब थोड़ा सा डील दिया, थोड़ा सा छोड़ा, तो वही अमाउंट जाकर रिजर्व में बैठ गई। और वो रिजर्व की अमाउंट कहां पर पड़ी हुई है? बॉक्स में पड़ी हुई है, रोड पर पड़ी हुई है? नहीं, वो बिजनेस के अकाउंट में जमा हो गई है। तो बिजनेस के पास पैसा किसका है? पार्टनर्स का, इसलिए वो पैसा बिजनेस के ऊपर क्या रहेगा? लायबिलिटी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट लायबिलिटी का आइटम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस बात को जरा समझिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जैक्टली क्या है। ये जो जनरल रिजर्व है, इस बात को आप समझ चुके हो। ये समझो एग्जांपल, आपका बिजनेस समझो 2012 में स्टार्ट हुआ, करेक्ट है, 2012 में आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, 2013 में चला, 2014, 2015, 2016 और समझो अभी चल रहा है 2017, समझो अभी 2017 चल रहा है, करेक्ट है।
तो आपके बिजनेस ने 2012 में जो प्रॉफिट कमाया था उसका हिस्सा रिजर्व में जमा किया, 2013 में जो प्रॉफिट कमाया था उसका हिस्सा भी थोड़ा बहुत रिजर्व में जमा किया, 2014 में समझो बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो चलो यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो यहाँ पर तो रिजर्व का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2015 में प्रॉफिट कमाया था उसका हिस्सा भी निकाल कर रिजर्व में रखा है थोड़ा। 2016 का जो प्रॉफिट बिजनेस ने यहाँ पर कमाया था उसको यहाँ पर रिजर्व में न डालकर उसको एक सेपरेट अकाउंट में रखा है जिसको कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा ये कौन सा ईयर है बच्चों लोग, करंट ईयर है, CY मतलब करंट ईयर, और करंट ईयर का पहला ईयर मतलब प्रीवियस ईयर जो आपके बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, प्रीवियस ईयर का जो रिजर्व आपके बिजनेस का है जिसको अभी तक जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया गया है उसको एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको शॉर्टकट में आप समझ के रखिएगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। कौन सी ईयर का प्रॉफिट है ये, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, पिछले साल का प्रॉफिट है, और पिछले साल की पिछले 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 जितने भी साल थे ना उन सब के प्रॉफिट को कहां पर डालकर रखा हमने, जनरल रिजर्व में। लेकिन जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है ना वो अभी तक जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया होगा किसी ऑब्जेक्टिव से, उसको यहां पर सेपरेटली शो किया गया है अंडर द हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब मैंने यहां पे क्लियरली मेंशन किया है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पिछले साल का बचा हुआ प्रॉफिट जो पार्टनर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन ये भी पार्टनर का हिस्सा है, बिजनेस के अकाउंट में पड़ा है तो ये बिजनेस के ऊपर क्या बनेगी, लायबिलिटी, करेक्ट है ना। यस, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट आपका है यहाँ पे लोन ऑन, आप देख सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है विच इज द लोन ऑन मॉर्गेज। समझ लीजिए बच्चे लोग, आज पूरा आपको समझना अच्छे से, लोन ऑन मॉर्गेज। ये लोन ऑन मॉर्गेज क्या होता है, सिक्योर्ड लोन, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो सिक्योर्ड लोन। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपने बैंक में गिरवी रखी है, मॉर्गेज की है, और उसके अगेंस्ट आपने बैंक से लोन लिया है तो वो लोन भी आपके बिजनेस पे क्या कहलाएगा, लायबिलिटी। तो लोन ऑन मॉर्गेज का मतलब सिक्योर्ड लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी आपने बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली है किसके बदले में, किसी असेट को गिरवी रख करके आपने वहां पर लोन लिया है तो वो भी आपका लायबिलिटी है आपके बिजनेस के ऊपर। यस, नेक्स्ट आपका है बैंक से लिया गया नॉर्मल टाइप का लोन, जो भी आपने बैंक से सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो ऑफकोर्स लिया गया लोन बिजनेस के ऊपर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। आप देख सकते हो कि बिजनेस की कितनी सारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इतने सारे फंड, इतने सारे पैसे जो बिजनेस के पास है, ये सब बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। एक ना एक दिन बिजनेस को ये सारी लायबिलिटी जो है क्लियर करनी होगी। तो बिजनेस को शुरू करते समय हमें सारी लायबिलिटी बिजनेस में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन आपका बिजनेस एंड हो जाएगा, जिस दिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो ये बिजनेस की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि दैट बिजनेस को ये सारी लायबिलिटीयां पाई पाई जो है वो चुकानी होगी, करेक्ट है। यस, उसके बारे में भी हमको 12th कॉमर्स में पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, करेक्ट है। अभी फिलहाल पहले लायबिलिटी ले लेते हैं, जब डिसोल्यूशन पढ़ाऊंगा, जब बिजनेस बंद करने की बात करूंगा ना, तब हम लोग बात करेंगे कि लायबिलिटी को पेड कैसे किया जाएगा, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका है लोन फ्रॉम पार्टनर। अगर समझो किसी पार्टनर ने बिजनेस को कैपिटल के अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अ लोन, क्योंकि वो पार्टनर ने कैपिटल से अतिरिक्त दिया है, कैपिटल से एडिशनल दिया है, तो वो अमाउंट बिजनेस में किस नाम से रहेगा, लोन फ्रॉम पार्टनर, करेक्ट है। तो ये लोन फ्रॉम पार्टनर भी बिजनेस की क्या बन गई, लायबिलिटी, क्योंकि ये भी पार्टनर का पैसा है और बिजनेस को दिया गया है यूज करने के लिए, करेक्ट है। आप समझ पा रहे हो हर चीजों को प्रॉपर तरीके से, यस, ठीक है, वेरी गुड। तो लोन फ्रॉम पार्टनर। नेक्स्ट आपका है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल मतलब आपको बिल पेएबल है, मतलब आपके बिजनेस के ऊपर बिल को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन से बिल की बात कर रहे हो सर, लाइट बिल की तो बात नहीं कर रहे, नहीं, इतनी छोटी सोच मत रखो, लाइट बिल का अमाउंट पेएबल नहीं है, यहां पर हम बिल्स पेएबल की बात कर रहे हैं। मतलब यह हुआ कि जो भी गुड्स या जो भी रॉ मटेरियल आपने अपने क्रेडिटर के पास से, आपने अपने सप्लायर के पास से क्रेडिट पे लिया है, उधार पे लिया है,
करेक्ट है। तो उनसे जब आपने कोई माल उधार पे लिया होगा तो उन्होंने आपके ऊपर एक बिल बनाया होगा, यस और नो? जब आप कहीं से कोई गुड्स उधार पे लेकर आते हो तो आपको उस पर एक बिल बनाएगा और वो बिल आपको क्या करना होगा, साइन करके उसे लौटाना होगा, करेक्ट है? आपको बिल एक्सेप्ट करना है कि हाँ इतने अमाउंट के लिए मैं रेडी हूँ पे करने के लिए, इतनी अमाउंट की लाइबिलिटी मैं स्वीकार करता हूँ, और वो बिल आपको उसे रिटर्न करना होगा। तो जब तक उसकी अमाउंट आप नहीं लौटा देते, जब तक उस रॉ मटेरियल का पैसा आप नहीं दे देते, तब तक वो पैसा आपके बिजनेस के ऊपर क्या बनकर रहेगा, लाइबिलिटी बनकर रहेगा, करेक्ट है ना? तो ये कौन सी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल, मतलब जो बिल की अमाउंट, जो गुड्स के मटेरियल जो आपने मंगाए थे उनके बिल आपको चुकाने हैं, उनके बिल आपको पे करने हैं, तो वो आपकी क्या बनेगी, लाइबिलिटी। इसके बाद आपका है बैंक ओवरड्राफ्ट, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, करेक्ट है? यस, बैंक ओवरड्राफ्ट, अब जैसे कि हम यहां पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम यहां पर पार्टनरशिप जैसे बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार की हो, लेकिन बिजनेसमैन को बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन करना होता है बाय द नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नाम से करंट अकाउंट खोलना होता है, करेक्ट है? तो जो करंट अकाउंट ओपन करता है, जो बिजनेस अकाउंट ओपन करता है, उन लोगों को बिजनेस में कभी भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि बिजनेस में अपॉर्चुनिटी का आना जाना लगा होता है। हो सकता है कि कल हमारे बिजनेस को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, अब उस अपॉर्चुनिटी को कवर करने के लिए आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास और दैट टाइम जिस समय अपॉर्चुनिटी है और उस समय अगर आपके पास फाइनेंस अगर अवेलेबल नहीं है तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से फिसल जाएगी, करेक्ट है? तो उस अपॉर्चुनिटी को फिसलने नहीं देना है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें अपने बिजनेस में लाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपके पास फंड्स रेडी होने चाहिए। तो बैंक आप लोगों को यहाँ पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को, सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये सुविधा बैंक देती है कि आप हमारे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए अमाउंट को ओवरड्राफ्ट, मतलब अपने अकाउंट में आपका जितना भी पैसा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए है, करेक्ट है, और मेरे बिजनेस को और 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पर मुझे 7 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास तो 5 ही लाख पड़े हैं, तो मैं 7 लाख की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करूं? तो यहां पर आप बैंक से अब रिक्वेस्ट करोगे तो बैंक आपके ट्रांजेक्शन्स को चेक करने के बाद आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगी, आपने इसके पहले कर्ज लिए थे उसको टाइम पे पेड किया कि नहीं पेड किया, ये सारा चिट्ठा बैंक जब आपका चेक करेगी, इसके बाद बैंक आपको अलाउ करेगी कि आप अपने अकाउंट से ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, मतलब आप अपने अकाउंट में जितने पैसे रखे हैं उससे 2 लाख ज्यादा निकाल सकते हो, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, वो हार्डली 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए होता है, बट इट शुड बी लेस देन 1 ईयर, लेकिन वो 1 साल से कम के पीरियड के लिए होता है जो आप बिजनेस के लिए ले सकते हो, और जैसे ही आपके पास पैसे आ जाए उसको आप तुरंत लौटा सकते हो। ऑफ कोर्स उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, आपको क्या लगता है इंटरेस्ट बिना इंटरेस्ट के पैसा देगी बैंक आपको? बैंक आपको 1 रुपया भी बिना इंटरेस्ट के कभी देने वाली नहीं है, और 1 दिन के लिए भी देने वाली नहीं है, ये भी आप याद रखिए। आप बिजनेसमैन हो चाहे आप कोई भी हो, अगर आपको बैंक ने कोई पैसा दिया है तो उसके लिए बैंक आपसे रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, करेक्ट है यहां तक? तो बैंक से आपने जो शॉर्ट टर्म के लिए अपने जो भी लोन लिया होगा वो लोन आपको यहां पर बिजनेस के ऊपर क्या बनकर रहेगी, लाइबिलिटी बनकर रहेगी, करेक्ट है यहां तक? यस, तो यहां तक आप लिख लीजिए, सो दैट मैं आपको आगे के बातें जो 4-5 है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लीजिए, ठीक से देखो बच्चे लोग, कंप्लीट स्टडी करनी है, कंप्लीट स्टडी करने में मजा है। जब मैंने आपकी पूरी जवाबदारी ले ली है अकाउंट्स को पढ़ाने की, जब मैं आपको 1200 के पूरे सब्जेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर दे रहा हूं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सही तरीके से समझिए। कोई डाउट्स है तो हमारा जो भी डाउट सेशन लेक्चर होता है वो सेशन में आप मुझसे डाउट पूछिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, करेक्ट है? यस, तो आई होप दैट आप सबने लिख लिया होगा ये सब। यस, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
और आगे जो हमारे बचे हुए उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको सुंदरी पढ़ते हैं बहुत लोग, पता नहीं क्यों उन्हें सुंदरी याद आ जाती है, तो ये सुंदरी नहीं है ना, ये सन्ड्री है। सन्ड्री का मतलब होता है रेगुलर, कंटिन्यूअस। ओके, तो जो हमारे बिजनेस के रेगुलर क्रेडिटर है, जो हमें रेगुलर बेसिस पे रॉ मटेरियल या कोई भी गुड्स हमें सप्लाई करते रहते हैं उधार पे, क्रेडिट पे, तो वो हमारे क्या बनेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। वन टाइम नहीं, हमेशा रेगुलर बेसिस पे, करेक्ट है? तो उनसे जो भी हमने उधार पे सामान लिया है उसके भी पैसे हमें बिजनेस को एक ना एक दिन चुकाने होंगे, एक ना एक दिन उस पैसे को पेड करना होगा, तो वो अमाउंट आपकी क्या बनेगी? लाइबिलिटी। नेक्स्ट सुनिए, इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट आपको दिया है एडलेस करके, वो सारे एडजस्टमेंट मैं आपको जब एडजस्टमेंट का समय आएगा तो बताऊंगा। फिलहाल आप उस एडलेस वाले पॉइंट्स को यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो और आप डायरेक्टली यहाँ पर नेक्स्ट लाइबिलिटी के आइटम पे आइए, दैट इज कॉल्ड एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करेक्ट है? और बाकी जो भी एडजस्टमेंट वाले आइटम है वो जब एडजस्टमेंट की बारी आएगी तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, अदरवाइज अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, करेक्ट है? तो हम लोग कन्फ्यूजन नहीं चाहते हैं, हम लोग क्लैरिटी चाहते हैं, तो क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरह से आप लोग यहाँ पर बिहेव कीजिए। तो नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर लाइबिलिटी आइटम है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड, ऐसा कोई भी खर्चा जो खर्चा आपके बिजनेस ने अभी तक पेड नहीं किया, जो बिजनेस को पेड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस जिस प्रिमाइसिस में है उस प्रिमाइसिस के पिछले 6 मंथ का आपने रेंट नहीं पेड किया, या हो सकता है कि आपके सैलरी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिस स्टाफ काम करता है उसके पिछले 2 महीने की सैलरी पेड करनी बाकी है। तो कोई भी ऐसा रेगुलर एक्सपेंसेस जिसमें से कोई एक्सपेंसेस आपके बिजनेस ने शायद नहीं पेड किया होगा, अनपेड होगा, तो ऐसे अनपेड एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका लाइबिलिटी में कब तक रहेगा? ऑफ कोर्स आप जब तक उसको पेड नहीं कर देते, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो आपने अभी तक पेड नहीं किया, करेक्ट है? इसके अलावा अगर आपके बिजनेस ने कोई इनकम रिसीव्ड की है एडवांस में, सो आपके बिजनेस ने कोई भी ऐसी इनकम रिसीव्ड की है इन एडवांस, करेक्ट है? तो अगर आपने किसी को सर्विस नहीं दी, अभी तक आपने गुड्स नहीं सेल किया है, लेकिन आपने उस गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के पहले उसके पैसे आपने एडवांस में ले लिए, बड़े होशियार हो आप, अभी तक ना तो आपने गुड्स बेचा ना तो आपने सर्विसेज बेची, लेकिन उसके पहले ही आपने पैसे ले लिए, तो इट इज कॉल्ड एज एडवांस इनकम। तो जब तक आप उसको गुड्स और सर्विसेज नहीं सेल कर देते, तब तक वो पैसे आपके बिजनेस पे क्या बनकर रहेंगे? लाइबिलिटी बनकर रहेंगे, क्योंकि वो इनकम अभी तक आपको कंप्लीटली इनकम नहीं हुई है, वो आपने एडवांस में रिसीव की है। तो टिल यू आर नॉट सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू दैट पर्सन, दिस इज नॉट यूअर इनकम, इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अ लाइबिलिटी साइड। और जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज आप उसको सेल कर दोगे, ये ऑटोमेटिक यहां से निकल जाएगा और जाकर के आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाकर चला जाएगा, या फिर आपके सेल्स में ऐड हो जाएगा, करेक्ट है? तो कोई भी इनकम जो आपको एडवांस में मिल रही है वो आपकी क्या है? बिजनेस की लाइबिलिटी है। यस, लास्ट आइटम आपका है प्रोविजन ऑफ टैक्सेस। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, तो आपके बिजनेस के ऊपर कुछ टैक्सेस की लाइबिलिटी है, आपके बिजनेस को कुछ टैक्सेस का पेमेंट भी रेगुलर बेसिस पे करना होता है। डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो सारी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल समझ रही है कि जो भी टैक्सेस, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स गवर्नमेंट को अभी तक बिजनेस ने नहीं पेड किया है, पेड करना बाकी है, तो वो सारे टैक्सेस को हम लोग बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेस। मतलब जो टैक्स अभी तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ कैलकुलेट करके रखा है, उसको सिर्फ बिजनेस ने अभी तक असेस किया है, लेकिन अभी तक उसको बिजनेस ने पेड नहीं किया है, तो जब तक बिजनेस टैक्सेस को पेड नहीं कर देता, तब तक वो टैक्स बिजनेस की क्या बनकर रहेगी? लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये सारे जितने भी आइटम्स मैंने आपको बताया, ये सारे आपके बिजनेस की लाइबिलिटी के आइटम थे, करेक्ट है? सो प्लीज रिवाइज दिस ऑल दी लाइबिलिटी आइटम, और कोई भी ऐसी बात अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज डू आस्क मी क्लियरली, करेक्ट है? आपको समझ में आ रहा है प्रॉपरली बच्चे लोग? यस यस, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे असेट साइड, बहुत ही आसान है ये, तो तुरंत हो जाएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको असेट साइड समझाता हूँ, करेक्ट है? यस, तो असेट मतलब क्या होता है उसको आप समझिए।
Asset means that all the property. Asset means that all the property which is owned by business organization. तो जिस प्रॉपर्टी का ओनर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम से रिकॉर्ड होगी, जो प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम से खरीदी जाएगी, उन सभी प्रॉपर्टियों को हम लोग क्या कहेंगे? असेट्स कहेंगे। आपके और हमारे नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी है तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ असेट। उसके लिए असेट टर्म्स को हम यूज नहीं कर सकते। असेट इज ऑलवेज यूज व्हेन द प्रॉपर्टी इज परचेज बाय द नेम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट विद द नेम ऑफ अ पर्सनल पर्सन। ओके, हम किसी व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी परचेस करें तो वो असेट नहीं है, लेकिन बिजनेस के नाम से अगर आप परचेस करोगे तो वो क्या कहलाएगी? असेट्स। अब देखते हैं बिजनेस के कौन कौन से असेट्स होते हैं। तो बिजनेस के असेट में सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके फॉर्मेट में पहले क्या है आपका? गुडविल। गुडविल मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा कि दैट गुडविल मतलब बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस का नाम, जो पिछले 5 सालों में 10 सालों में बिजनेस ने नाम मार्केट में जो कमाया है, जिस नाम की वजह से कस्टमर आज दौड़े दौड़े आपके बिजनेस की तरफ आते हैं, दैट इज योर गुडविल, दैट इज योर रेपुटेशन। तो वह आपके बिजनेस का भले ही इंटेंजिबल एसेट है, भले वह आपको दिखता नहीं है, आप उसको छू नहीं सकते, लेकिन आपके बिजनेस की मार्केट में इज्जत है, आपके बिजनेस की मार्केट में गुडविल है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे करना है वो बात भी आपको फाइनल अकाउंट में सिखाऊंगा। और गुडविल को लेकर के तो बड़ा सा कॉन्सेप्ट है एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, यस। तो ये सब जगह पर गुडविल आपको बहुत बार सीखना है। तो गुडविल के फिलहाल में इतना ही कहूंगा कि दिस इज अ इंटेंजिबल असेट एंड दिस इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ असेट्स। ओके, इसके बेसिस पे हम अपने बिजनेस के कस्टमर्स को बढ़ाते हैं और इसके ही बेसिस पे हम अपने बिजनेस की वैल्यू को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे एसेट्स के नाम एक साथ लिखता हूँ और बाद में उसमें से क्या लेस करूंगा? डेप्रिसिएशन। मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर हर एसेट के बाद डेप्रिसिएशन लेस किया है, तो उतनी बार लिखने की आवश्यकता नहीं समझने के लिए। तो यहाँ पर पहला कौन सा एसेट है बच्चों लोग? लैंड एंड बिल्डिंग। आपका बिजनेस जिस जमीन पर है, आपका बिजनेस जिस भी बिल्डिंग में है, वो सब यहाँ पर लेंगे। चलो यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, देन प्लांट एंड मशीनरी, जिसके बेसिस पे आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन करोगे, तो प्लांट एंड मशीनरी। आफ्टर दैट फर्नीचर एंड फिक्स्चर। अब ये फर्नीचर एंड फिक्स्चर क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए ठीक से। देखो फर्नीचर मतलब क्या होता है कि जो मूवेबल है, जैसे इस बेस यहाँ पर, जैसे एग्जांपल, मैं किसी भी टेबल को अगर एक प्लेस से उठाकर कहीं और ले जा सकता हूँ तो वो फर्नीचर हुआ, करेक्ट है ना। लेकिन समझो कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मुझे उठाकर यहाँ वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड क्या हो गया है? फिट हो गया है, फिक्स हो चुका है। तो ये क्या बनेगा? फिक्स्चर। मतलब जो ऐसी फर्नीचर टाइप जो फिक्स हो जाती है, जिसको हम यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते, जिसको यहाँ पर हमें फिट करके रखना होता है और उसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, उसे हम कहते हैं फिक्स्चर। तो फर्नीचर एंड फिक्स्चर आपके बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी है, असेट्स, आपके ऑफिस का फर्नीचर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है आपके इक्विपमेंट्स, वेदर इट इज ऑफिस इक्विपमेंट और फैक्ट्री इक्विपमेंट, करेक्ट है, जो भी उपकरण आप इस्तेमाल करते हो, छोटी मोटी मशीनें। इसके अलावा डिलीवरी या फिर मोटर वैन, जिसके सहायता से आप लोग अपने गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको हेल्प करती है। इसके अलावा लीज होल्ड ऑब्लिक फ्री होल्ड, समझना इस बात को, मैं समझाऊंगा आपको। लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्या होता है? लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड का मतलब है कि आपके बिजनेस की कोई ऐसी प्रीमाइसेस, आपके बिजनेस में कोई ऐसा प्रीमाइसेस है या कोई ऐसी जगह आपके बिजनेस ने आपने ली है जो आपने लॉन्ग टाइम के लिए ली है, आपने उसको समझो एग्जाम्पल 10 साल के लिए अपना कर लिया और 10 साल का पूरा रेंट आपने उसको एक साथ दे दिया। तो जब हम लोग रेगुलर रेंट पे करते हैं ना तो उसको रेंट कहेंगे, लेकिन जब हम लोग एक बड़े पीरियड का पैसा रेंट एक ही साथ दे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ लीज, करेक्ट है। तो जो प्रीमाइसेस, जो प्रॉपर्टी आपने लॉन्ग टाइम के लिए भाड़े पे ली है, उसका आपने एग्रीमेंट किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ लीज होल्ड प्रीमाइसेस, जो आपने लॉन्ग टाइम के लिए रेंट पर लिया है,
फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई प्रीमाइसेस जो यहां पर कहीं पर खाली पड़ा हुआ है, फ्री होल्ड है, मतलब वो आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है लेकिन अभी तक उसके ऊपर किसी का होल्ड नहीं है, बट चूंकि वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग असेट में रिकॉर्ड करेंगे। वो फ्री होल्ड है मतलब वहां पर कोई प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं होता, वह ऐसी खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी है तो उसे कहेंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। ओके, वैसे प्रीमाइसेस वर्ड अगर आ गया तो आप समझ कर रखो कि वो अपने बिजनेस का असेट होता है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस की कोई रिसर्च है, आपके बिजनेस ने कोई अपने खुद ने बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी को, उस रिसर्च को आप अपने बिजनेस के नाम से क्या करवाओगे, रजिस्टर्ड, करेक्ट है। तो वो रजिस्टर्ड की हुई चीज आपके बिजनेस की क्या बन जाएगी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल असेट्स, जिसके टेक्निक के बदौलत आप बिजनेस के लिए और भी अर्निंग कर सकते हो। अगर उस टेक्निक को या उस चीज को अगर कोई दूसरा बिजनेस अपनाता है तो वो पहले आपसे परमिशन लेगा, क्यों, क्योंकि आपने उस टेक्निक का इन्वेंशन सबसे पहले किया, तो किसी को भी वो टेक्निक अगर चाहिए तो उसे आपकी परमिशन लेनी होगी, और आप परमिशन फ्री में दोगे नहीं तो उससे आप क्या लोगे, चार्ज लोगे। मतलब ये पेटेंट भी एक ऐसा असेट है, एक ऐसा इंटेंजिबल असेट है जो आपके बिजनेस को अर्न करके दे रहा है, जिससे आपके बिजनेस की इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, करेक्ट है ना। तो पेटेंट मतलब आपके द्वारा कोई भी रिसर्च या कोई भी इन्वेंशन किया है उसको आप रजिस्टर्ड करवाओगे, जिसका फायदा आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकता है और आपकी परमिशन के बिना उसको कोई दूसरा यूज कर नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर। तो ये पेटेंट हो गया। इसके अलावा लूज टूल्स, ऐसे छोटे मोटे टूल्स जो फैक्ट्री में यूज किए जाते हैं वो सब यहां पर हम ले सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, अगर आपके बिजनेस के नाम से आपने किसी शेयर्स में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, लैंड में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आप यहां पर ले सकते हो, करेक्ट है। तो एक काम करते हैं, ये जितने भी यहां पर मैंने आपको दिखाया ना, ये जितने भी आपके असेट्स हैं ना, ये सारे आपके ना फिक्स असेट है, करेक्ट है। उसमें से पेटेंट और आपका जो गुडविल है, ये दोनों क्या है, आपका इंटेंजिबल असेट्स है। तो ये सारे असेट्स को जब आपका बिजनेस रेगुलर यूज करता होगा, एक काम करते हैं पेटेंट्स को थोड़ा बाहर ले लेते हैं। तो इन सभी बिजनेसेस के असेट्स को, इसमें और भी कुछ है क्या अवेलेबल, हाँ और भी स्टोर एंड स्पेयर, हाँ एक और ले लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पे स्टोर एंड स्पेयर पार्ट। मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों किया, मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी, चिंता नहीं करो बिल्कुल भी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सारे फिक्स असेट है और इन पे हम लोगों को डेप्रिसिएशन भी चार्ज करके दिखाना है। तो यहाँ पर सारे फिक्स असेट को मैंने एक ही साथ जमा कर लिया, एक ही साथ कलेक्ट कर लिया। अब आपने इनकी सबकी टोटल करनी है, टोटल करोगे तो आपको ये फिगर आएगा, उसमें से आप क्या लेस करोगे, डेप्रिसिएशन। ओके, आपको ऐसा प्रैक्टिकल सब में नहीं करना है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि आप फिक्स असेट में से क्या लेस करते हो, डेप्रिसिएशन। वैसे हमको डेप्रिसिएशन इंडिविजुअली सब में से लेस करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझो मेरी बात को। वैसे आपको डेप्रिसिएशन जो है वो हर एक आइटम में से लेस करना है अगर आपको पूछा गया है तो, बट यहाँ पर मैंने क्या किया, बार बार डेप्रिसिएशन लिखने से अच्छा है, जैसे कि मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ, मैं आपको अभी तक सम सॉल्व नहीं करवाना सिखा रहा हूँ, फॉर्मेट समझा रहा हूँ। तो फॉर्मेट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे आपके फिक्स असेट्स है जिसमें से आप क्या लेस कर सकते हो, डेप्रिसिएशन। लेस करने के बाद ये आपकी आएगी टोटल फिक्स असेट की। आप अगर चाहो तो सबको अलग अलग लिख करके उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करो, इसको अलग लिखो डेप्रिसिएशन लेस करो, इसको अलग लिखो डेप्रिसिएशन लेस करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग फॉर्मेट की स्टडी कर रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पेटेंट बचा था वो हम यहां पर लिखेंगे। तो पेटेंट्स जो आपके बिजनेस की रिसर्च है, जो आपके बिजनेस का टेक्निक है, जो आपने खुद बनाया है, खुद आपने इन्वेंट किया है, ठीक है। इसके बाद में कुछ यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस आए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पेड कर दिए। फॉर एग्जांपल आपने 7 महीने का रेंट एक साथ दे दिया, अब वो 7 महीने आपको यूज कर रहे हैं, अब आपको फिर से पेड करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी ऐसा खर्चा आपने अगर एडवांस में पेड कर दिया है तो वो खर्चा जब तक वो एडवांस का पीरियड खत्म नहीं होता तब तक आप उसका पूरा बेनिफिट लोगे। समझ रहे मेरी बात को, ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने समझो अपने प्रीमाइसेस का अगले 6 महीने का रेंट आपने एडवांस में पेड कर दिया, करेक्ट है, तो अगले 6 महीने क्या आपको रेंट पेड करना होगा, नहीं पेड करना होगा। क्यों, क्योंकि आपने 6 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया,
तो वो 6 महीने का रेंट जो आपने एडवांस में दे दिया वो आपके बिजनेस का क्या बनेगा, असेट, बट फॉर द पीरियड ऑफ ओनली कितना मंथ, 6 मंथ, तो वो आएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो रेंट की जगह पे कोई भी खर्चा हो सकता है, अगर आपने वो एडवांस में पेड किया है तो वो यहाँ पर असेट में दिखाया जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग इनकम। अगर आपके बिजनेस की ऐसी कोई इनकम जो है जो अभी तक आपको मिली नहीं है लेकिन मिलने वाली है, कोई ऐसी इनकम जो आपके बिजनेस को अभी तक मिली नहीं है लेकिन मिलने वाली है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ आउटस्टैंडिंग इनकम, करेक्ट है। तो जो इनकम आउटस्टैंडिंग है मतलब जो इनकम अभी तक अपने को प्राप्त नहीं हुई है, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एक ना इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं किया था, उस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट है वो मुझे आने वाला है लेकिन अभी तक आया नहीं है, आने वाला है अभी तक आया नहीं है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ आउटस्टैंडिंग इनकम, द इनकम विच इज येट टू रिसीव, जो इनकम मुझे मिलने वाली है, करेक्ट है। तो वो आपकी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग इनकम, तो मिलने वाली है तो वो आने वाली है इसलिए वो आपकी क्या है, असेट। तो जो इनकम आपको मिलने वाली है अभी तक आपको मिली नहीं है, तो जो भी अमाउंट आपको आने वाला है वो आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है। देखो जो चीज आपके पास से जाने वाली, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो खर्चा आपको पेड करना बाकी है, करेक्ट है। तो जो खर्चा पेड करना बाकी है वो आपकी क्या है, लायबिलिटी, लेकिन जो पैसा आपको आना बाकी है, मिलना बाकी है, वो आपका क्या बनेगा, असेट्स। बात को समझिए ठीक से, ओके, यस। तो ये आपका हुआ आउटस्टैंडिंग इनकम, यहां तक आप लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से, फिर दो चार और भी इसमें आइटम बचे हुए मैं आपको समझा देता हूं। यस, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं प्रॉपरली, ओके, चलो ठीक है। आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा पूरी तरह से, तो इसको थोड़ा हम आगे ले चलते हैं। अब ओके ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है लोन्स एंड एडवांसेस। ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपके बिजनेस ने किसी को लोन दिया है, अब लोन देने की बारी आई है, लेने की बारी नहीं आई है, लायबिलिटी में हमने लोन लिया था लेकिन अब असेट में हम लोग लोन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, करेक्ट है। तो कोई भी लोन अगर आपने किसी को दिया है तो वो पैसा आपको आने वाला है, तो अगेन कोई भी चीज अगर आपके बिजनेस में आने वाली है तो वो क्या बनेगी, आपकी असेट्स, करेक्ट है, क्योंकि आपको मिलने वाला है। अगर आपने लोन लिया होता तो आपको पेड करना होता, तो पेड करना होता तो क्या बनती है, आपकी लायबिलिटी, लेकिन अगर आपने लोन दिया है तो आपको पैसा मिलने वाला है तो आपका क्या बनेगा, असेट्स। नेक्स्ट आपका है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो स्टॉक आपका इस साल नहीं बिका, जो स्टॉक आपने इस साल यूज नहीं किया, वो सारा स्टॉक आप संभाल कर रखोगे और उसका इस्तेमाल कब करोगे, आप नेक्स्ट ईयर। इस साल तो आपने यूज नहीं किया, इस साल वो गुड्स नहीं बिका, तो वो आपके लिए क्या बनेगा, असेट्स, क्योंकि वही स्टॉक आपको अगले साल इनकम लाकर देगा, उसी स्टॉक का आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इसलिए वो आपका क्या बनेगा, असेट, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब वो अनयूज स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है, तो उसको हम लोग यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सन्ड्री डेटर्स, मतलब आपके भगवान। भगवान मैंने क्यों बोला, हाँ कस्टमर, वेरी गुड। सन्ड्री डेटर्स मतलब आपके कस्टमर, आपके रेगुलर कस्टमर, जिनको आप क्रेडिट पे माल देते हो, करेक्ट है, जिनको आप उधार पे माल दे रहे हो। जब आप उनको उधार पे माल सप्लाई कर रहे हो, सर्विस सप्लाई कर रहे हो, तो उनके पास से अपने को पैसा क्या होने वाला है, यस, आने वाला है, तो उनके पास से हमें पैसा आने वाला है, इसलिए वो हमारा क्या बनेगा, असेट बनेगा। तो कोई भी अमाउंट जो आपको रिसीवेबल है, अमाउंट मिलने वाली है, वो अमाउंट आपकी क्या बनती है, असेट। और वैसे भी कस्टमर हमारे बिजनेस के असेट्स हैं, क्योंकि उनके पास से हमें डेप्ट आएगा, उनके पास से हमें हमारी अमाउंट रिटर्न मिलने वाली है, क्योंकि हमने उसको क्या, गुड सोल्ड किया है, तो उसके बदले जो भी पैसा होगा वो आपको रिटर्न मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, ओके। इसमें भी बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, वो एडजस्टमेंट के समय बताऊंगा, अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि असेट्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, करेक्ट है। तो वो सारे आप फिलहाल अभी इसको आप अवॉइड कीजिए, एडजस्टमेंट के समय मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा उसको।
नेक्स्ट आपका है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अगर समझो आपका कोई गुड्स आग से जल गया था और वो आपने भगवान की दया से या अपनी सोच से उसका आपने इंश्योरेंस निकाला था, ये काम आपने बहुत अच्छा किया था, करेक्ट है। तो अगर कोई गुड्स आपका आग से जल गया और आपने उसका इंश्योरेंस निकाल कर रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस ही निकाला नहीं है तो फिर कुछ अमाउंट मिलने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? तो रिसीवेबल है मतलब इंश्योरेंस से भरपाई रिसीवेबल है, इंश्योरेंस से भरपाई आपको मिलने वाली है, तो वो भी आपके बिजनेस की क्या बनेगी? असेट्स, करेक्ट है। क्योंकि अगेन वो आपके लिए रिसीवेबल है, वो अमाउंट आपको आने वाली है, मतलब उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका है बिल रिसीवेबल। अब जैसे आपने किसी को गुड्स अगर उधार पे सेल किए हैं तो हो सकता है कि आपने भी उनके ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा, मतलब आपने भी उनको बिल बनाकर दिया होगा, तो वो बिल का पैसा भी उस कस्टमर के पास से आपको मिलेगा। देखो ये सन्ड्री डेटर और बिल रिसीवेबल ना, ये दोनों भी आपके कस्टमर है, बट फर्क सिर्फ क्या है कि सन्ड्री डेटर पे आपने बिल ड्रॉ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सन्ड्री है, वो आपके बिजनेस के रोज के कस्टमर है, उन पे बिल ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपके बिजनेस के लिए न्यू कस्टमर है उनके लिए तो आपको बिल ड्रॉ करना ही होगा, जब तक वो क्या नहीं बन जाते, आपके सन्ड्री डेटर। तो इन शॉर्ट आप याद रखिए कि ये भी कस्टमर है, ये भी कस्टमर है, इन दोनों को आपने माल उधार पे सप्लाई किया है और इन दोनों से आपको पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए ये दोनों भी आपके बिजनेस के क्या बनेंगे? असेट्स, करेक्ट है। क्योंकि इन दोनों से आपको बेनिफिट आने वाला है तो ये आपके असेट्स बनेंगे। इसके बाद कैश इन हैंड, आपके हाथ में, आपकी जेब में, आपके बिजनेस के कैश बॉक्स में जो भी कैश बचा है और आपके बैंक अकाउंट में जो भी कैश आपके बिजनेस के अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो सारा कैश आपका क्या है? असेट्स है। ओके, सो कैश आपकी जेब में, कैश आपके बॉक्स में या जो भी कैश बॉक्स में पैसा है वो आपका कैश इन हैंड है, और जो भी पैसा आपके बिजनेस अकाउंट में पड़ा है वो आपका क्या है? असेट्स है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, इसके बाद में लास्ट आइटम वहां पर आपको दिखेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता दी है कि जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है उसका ट्रायल बैलेंस में अगर समझो अमाउंट डेबिट साइड दिया है, मतलब वो डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस कहां पर लिखना है हमको? असेट में। क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी में, डेबिट बैलेंस कहां पर जाएगा? असेट में। इस बात को याद रखना, क्योंकि लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस एंड असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। ये बात मैं आगे की चैप्टर में भी बार बार रिवाइज करूंगा, तो आप पहले से समझ के रखिए कि सर ने लाइबिलिटी को क्या बताया है? क्रेडिट बैलेंस, और असेट को क्या बताया है? डेबिट बैलेंस। तो आपके पार्टनर्स करंट का बैलेंस अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है तो उसको हम लोग असेट में लिखेंगे, क्योंकि असेट शोज डेबिट बैलेंस, तो यहां पर डेबिट और यहां का डेबिट क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कोई करंट अकाउंट है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस कहां पर दिखाया जाएगा? लायबिलिटी साइड में। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये सब मैंने आपको सारे असेट्स की मुलाकात करा दी कि आपको कौन कौन से असेट्स के साथ फाइनल अकाउंट में और उसके आगे के चैप्टर में डील करना है, जिससे कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्या क्या आता है, असेट्स में क्या क्या आता है, ये पूरी तरह आपको समझ में आएगा। Is that clear everyone? So, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिए, इसका ढंग से एक बार आप अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि पूरा एक घंटा मैंने आपको बैलेंस शीट समझाने में लगाया है, तो ऑफ कोर्स इसका आगे आपको बहुत बेनिफिट होगा, और इसकी मदद से आप आगे जाकर के बाकी के चैप्टर्स के बैलेंस शीट को भी आसानी से समझते हो, ठीक है। सो तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग विद पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट की डिटेल के साथ में, और कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। सो बी विथ मी, टेक केयर, जय हिंद।